हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ नए स्टाइल का भिंडी का सब्जी। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है और उसको अच्छी तरह से धो के हमने पानी में चढ़ाया उबालने के लिए, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए। आप लोगों ने कभी भी नहीं बनाए होंगे ऐसे। तो देखिए, ये नए तरह का भिंडी है। तो देखिए, उबल रहा है भिंडी, नमक डाल दिया इसमें, भिंडी उबल रहा है। अब इसको हम गैस बंद करके इसको निकाल लेते हैं। आप लोग इस प्रकार बना के देखिए, भिंडी बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी। अगर कभी नहीं बनाए होंगे तो आप लोग ज़रूर बनाएं। बिल्कुल ही नए तरीके का भिंडी है। आप लोग सोच रहे होंगे भिंडी को कौन उबालता है, तो देखिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, बीच में छोड़ देंगे तो कोई समझ नहीं आएगा फिर। तो देखिए, हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं सब भिंडी को, और कितना गंदगी निकला पानी में देखिए, जो कि मैंने अच्छी तरह से भिंडी को धोकर डाला है, फिर भी देखो गंदा पानी निकला नमक डालने से। ज़्यादातर बरसात के दिनों में भिंडी को ऐसे ही उबाल के गर्म पानी से धोना चाहिए। तब भिंडी उबल गया, अब इसको ठंडा कर लिए। और देखिए, इधर से दोनों साइड से इसका काट देते हैं एक एक करके। अब बस हमको पूरा ही रखना है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा नहीं करना है। तो इसी प्रकार हम सारे भिंडी को काट लेते हैं। और बिल्कुल ही वो नहीं हुआ, सॉफ्ट नहीं हुआ, बिल्कुल सही है भिंडी। उबाल ज़्यादा उबाले नहीं है, बस एक उबाला है, बंद कर दिए। बिल्कुल फ्रेश हो गया भिंडी, देखिए। तो हमने सबको काट लिए और चिरा उरा कुछ भी नहीं लगाया भिंडी में। हम थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें बेसन। और थोड़ा सा डाल दिया हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक की कमी डालना क्योंकि मेरे को और ग्रेवी में भी डालना फिर बाद में। तो बेसन डाल के इसको मिला लेते अच्छी तरह से। पानी बिल्कुल भी नहीं है भिंडी में, तो हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा सब बेसन में मिक्स हो जाएगा। और ऐसा भिंडी बनाएंगे ना, अगर जो भी नहीं भी खाते होंगे बच्चे बच्चे, सारे खा लेंगे भिंडी, और बहुत ही टेस्टी, पता भी नहीं चलेगा कि ये भिंडी का सब्जी है, इतना अच्छा लगेगा खाने में। तो आप लोग देखिए मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा लगा, तो उसी प्रकार से आप लोग फिर कमेंट में बताइएगा। और इधर हम ले लेते हैं अब इसके लिए मसाला। तो ये साबुत धनिया ले लिया हमने एक चम्मच, और साबुत जीरा ले लिए ये भी एक चम्मच। ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये भी डाल के हम पीस लेते हैं, तो सारे मसाला एक जैसा हो जाएगा। ये दो चार कली लहसुन का और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से पीस लेते हैं मसाला को। और इधर गैस पे चढ़ा दिए कढ़ाई, कढ़ाई गरम हो गया तो उसमें हमने तेल डाल दिया है। तो देखिए तेल मेरा गरम हो रहा है। अब हम इसमें भिंडी डाल के फ्राई कर लेते हैं, और इतना फ्राई करेंगे बिल्कुल ये गोल्डन गोल्डन हो जाएगा देखने में, पकौड़े के जैसा। आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा इस बार इस प्रकार से भिंडी। भिंडी तो सभी बनाते हैं, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है, और ये वाला तरीका तो बिल्कुल ही अलग है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें एक बार। अगर आप एक बार बना लेंगे ना इस प्रकार का भिंडी, तो फिर आप इसी तरह से बनाते रहेंगे। तो देखिए, फ्राई करते हुए इसको उलट पलट के कितना अच्छा कलर हो गया,
और बिल्कुल फ्राई हो गया अच्छे से। तो हम इसको निकाल लेते हैं, भिंडी को इसी प्रकार निकाल लेते हैं फ्राई करके। और दोबारा जो और बचा भिंडी फिर और डाल देते हैं इसमें फ्राई होने के लिए। तो देखिए ये डाल दिए, क्योंकि एक बार में सारा आता नहीं इसीलिए दो बार में हम फ्राई कर रहे हैं। तो ये जब तक फ्राई हो रहा है जब तक हम इधर ले लेते हैं, ये 2 चम्मच दही है। और हम इसमें डाल लेते हैं मसाला। दही डालने से बहुत ही अच्छा ग्रेवी बनता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो हमने मसाले पीस के रखे थे ये दही में डाल के मिला लेते हैं। तो देखिए सबको अच्छे से दही में फेंट लेते हैं अच्छे से। जब तक मेरा उधर फ्राई हो रहा है भिंडी तब तक मसाला का तैयारी कर लेते हैं इधर। तो देखिए मेरा भिंडी लगभग हो गया फ्राई। चाहे आप सूखा बनाइए या ग्रेवी वाला, दोनों प्रकार से ये अच्छे लगते हैं। और या किसी भी साथ खा लीजिए, रोटी के साथ, चावल के साथ। तो इधर हमने 2 प्याज कटिंग करके रख लिए थे। तब तेल में प्याज डाल के इसको फ्राई कर लेते अच्छे से। प्याज भी मेरा गोल्डन तक होके भून गया है। तो अब ये वाला मसाला जो रखे थे दही में घोल के ये मसाले भी डाल लेते हैं। और मसाला डाल के इसको अच्छे से और भूनते हैं। मसाला को अच्छा से भूनना है क्योंकि ऊपर वो भिंडी तो फ्राई किया हुआ है। तो इसमें हमने हल्दी नहीं डाला था तो हल्दी डाल दिए। और ये ग्रेवी के लिए नमक। अब बहुत अच्छे से मसाले को भून लेना है। तो फ्रेंड आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर लगता है और अच्छे अच्छे चीज़ बनाऊं। तो देखिए मैंने 2-3 बार बना लिया है ऐसा भिंडी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मसाला भुन गया, अब उसमें जो ये भिंडी फ्राई करके रखे थे इसको डाल देते हैं। इस प्रकार भिंडी बनाएंगे ना तो लगेगा ही नहीं कि ये भिंडी का सब्जी है, बिल्कुल टेस्ट अलग हो जाता है और बहुत अच्छा खाने में लगता है, क्रंची क्रंची एकदम से मज़ा आ जाता है सब भिंडी खाने में। तो देखिए मसाला और इसको थोड़ा भून लिए, हल्का सा पानी डाल के। तो इस प्रकार मेरा सब्जी बना है भिंडी का। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करें। फिर हम इसी तरह का रेसिपी मिलेंगे लेके मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।